जय श्री कृष्णा। आज हम लोग इस शॉर्ट क्लास में देखने वाले हैं थायमस ग्लैंड। यस, थायमस ग्लैंड को हम कंप्लीट देखेंगे कि क्या उसका सिस्टम है, कहाँ होती है, क्या उसकी एनाटॉमी है, क्या उसके फंक्शंस हैं, उसकी डेफिशिएंसी हाइपर सीक्रेशन से कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। आइए देखते हैं। थायमस ग्लैंड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो कि हमारे हार्ट के एंटीरियर मीडिया स्टाइनम पार्ट में होती है। मीडिया स्टाइनम जो होता है जिसमें हार्ट होता है, मीडिया स्टाइनम पार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, हार्ट के ऊपर। ओके, बाईलोब्ड ग्लैंड होती है, बाईलोब्ड मतलब कि दो ही पिंड की होती है, ठीक है ना। एंड ये मेडुला एंड कॉर्टेक्स में डिवाइड होती है, मेडुला कॉर्टेक्स इसमें भी होता है। ये छोटी छोटी बातें हम इसकी याद रखें। इसके अलावा ये जो ग्लैंड होती है थायमस ग्लैंड मीडिया स्टाइनम पार्ट में स्टर्नम के नीचे, ठीक है ना, और मीडिया स्टर्नम पार्ट में हार्ट के ऊपर स्टर्नम के नीचे समझ सकते हैं, बाईलोब्ड होती है, मेडुला और कॉर्टेक्स में डिवाइड होती है। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो ये जो ग्लैंड है ये ग्लैंड एक नियोनेट में, मतलब कि एक नियोनेट में बच्चे में, नवजात शिशु में बेल डेवलप्ड होती है, जबकि जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इसमें रिग्रेशन होता है, रिग्रेशन होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि थायमस ग्लैंड जो है वो हमारी एजिंग से रिलेटेड होती है और इम्यून सिस्टम से भी रिलेटेड होती है। इम्यून सिस्टम की बात करें तो जैसे थायमस ग्लैंड जो है हमारे टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन करती है, अभी अपन इसको देखेंगे, तो जैसे जैसे थायमस ग्लैंड रिग्रेस होगी वैसे वैसे हमारा इम्यून सिस्टम जो होगा, इम्यून सिस्टम भी क्या होगा, डाउन पड़ेगा। ये बात हम ध्यान रखेंगे। थायमस ग्लैंड में बहुत ज़्यादा बातें ऐसी नहीं है जो आपको याद रखनी है, बट कुछ बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो जरूर याद रखेंगे। जहाँ तक बात है इसके फंक्शन की, तो फंक्शन में इसको ये बोलते हैं थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, थ्रोन मतलब प्रतिरक्षा का सिंहासन, यस मतलब इम्यूनिटी का थ्रोन है। ये क्या करती है, जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं WBC का एक टाइप होते हैं, वो कहाँ बनती है, हमारी बोन मैरो में, लेकिन वहाँ से बनने के बाद उनको उनमें से कुछ कहाँ भेज दी जाती है, थायमस ग्लैंड में, कुछ कहाँ रहती है, बोन मैरो में। जो बोन मैरो में ही रहकर मैच्योर होती हैं उनको बी लिम्फोसाइट कहते हैं, जबकि जो थायमस में जाकर मैच्योर होती हैं उनको टी लिम्फोसाइट कहती हैं। तो ये क्या करेंगी, मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, और इससे कौन सी लिम्फोसाइट बनेगी, टी लिम्फोसाइट, क्या बनेगी, टी लिम्फोसाइट्स, यस टी लिम्फोसाइट बनेगी। और टी लिम्फोसाइट हमारी कौन कौन से टाइप की होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स, याद रखेंगे हम। टी साइटोटॉक्सिक होती है, टी हेल्पर होती है, टी सप्रेसर होती है, टी मेमोरी होती है। इम्यून सिस्टम में या फिर डिजीज चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, टी साइटोटॉक्सिक जो डायरेक्ट अटैक करती है, टी हेल्पर हेल्प करती है, या फिर टी सप्रेसर हमारे खुद के एंटीजन के लिए इम्यून सिस्टम को रोकती है कि भाई ये तो अपने एंटीजन है इनको नहीं मारना है। और टी मेमोरी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बनाती है जो कि वैक्सीनेशन से भी रिलेटेड होती है, ठीक है ना। चलिए, तो ये टी लिम्फोसाइट्स का मेन होता है। ये हमारे टी लिम्फोसाइट हमें कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, सेल्युलर इम्यूनिटी, सेल्युलर इम्यूनिटी। तो सेल्युलर इम्यूनिटी के लिए मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, थायमस ग्लैंड, ठीक है ना। फिर उसके बाद टी हेल्पर सेल जो है वो बी लिम्फोसाइट की भी हेल्प करती है। बी लिम्फोसाइट मतलब ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जो कि एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। तो कहीं ना कहीं थायमस ग्लैंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होती है। क्लियर है। चलिए, अब आप समझ सकते हैं कि अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो इंसान का इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ये बात बहुत कॉमन सी है, हम इसको याद रखेंगे। हमारे इम्यूनिटी का ये मेन मतलब की पॉइंट होता है थायमस ग्लैंड। फिर इसके अलावा हम बात करें कि अगर मान लीजिए थायमस ग्लैंड की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाएंगे, हमारी एंटीबॉडीज़ प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी, टी साइटोटॉक्सिक, टी लिम्फोसाइट जितनी भी है, टी हेल्पर, टी सप्रेसर, टी मेमोरी, ये सारी की सारी चीज़ें इम्पेयर हो जाएंगी, हमारी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी वीक हो जाएगी, हमारे अंदर जो इम्यूनोलॉजी वैक्सीनेशन की मेमोरीज हैं कि बैक्टीरिया वायरस फिर से अटैक करता है तो हम पे हावी नहीं हो पाता, तो वो सारी चीज़ें, सिस्टम ख़राब हो जाएगा। हमारे सेल्फ टी सप्रेसर है ना, जो सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनने देता, वो खराब हो जाएगा। आपने ये सब पढ़ा होगा तो आपको सब याद आ गया होगा। चलिए,
एक चीज़ स्पेशल इसमें बताऊँ, इसका हाइपर सीक्रेशन का एक स्पेशल केस होता है जो अपन को याद रखना चाहिए। हाइपर सीक्रेशन, हाइपर सीक्रेशन जब हो जाता है, अच्छा इसे हाइपर सीक्रेशन किसका, थायमस से कौन सा हार्मोन निकलता है ये तो मैंने आपको बताया, थायमोसिन, कौन सा, थायमोसिन, इसको कुछ लोग थायमीन भी बोलते हैं, थायमीन भी बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब इस हार्मोन के सारे काम होंगे। अगर मान लीजिए इसका हाइपर सीक्रेशन हो जाता है, तो क्या होगा, इससे डिजीज हो जाती है, इसको बोलते हैं माइएस्थेनिया ग्रेविस, माइएस्थेनिया ग्रेविस, ये डिजीज़ हो जाती है, इंपॉर्टेंट डिजीज़ है ये, एक टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है, एक एग्जाम्पल है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का भी। इसमें क्या होता है, इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में ध्यान रखेंगे कि हमारे अंदर एक होता है एसिटाइल कोलिन, क्या होता है एसिटाइल कोलिन, जो कि नर्व्स कंडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो एसिटाइल कोलिन, इसको ACH बोलते हैं, रिसेप्टर के अगेंस्ट क्या बन जाती है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो जाता है, एंटीबॉडी बन जाती है, समझे ना, मतलब हमारे ही एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर जो होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, उसके लिए एंटीबॉडी बन गई, मतलब कि एसिटाइल कोलिन जो है नर्व को एक्साइटमेंट देता है, मसल्स को ऑर्डर देता है नर्व के थ्रू, वो काम नहीं होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, और हमारी बॉडी के प्रॉपर एक्सप्रेशन, मतलब प्रॉपर फंक्शन नहीं होंगे, जैसे कि चेहरा है ना मास्क लाइक हो जाएगा, मतलब वो चेहरे से फीलिंग्स नहीं दिखा पाएगा, और नर्व मसल्स को पर्टिकुलर ऑर्डर्स नहीं दे पाएंगे, समझे ना, मतलब हंसी खुशी का माहौल है वो रोता हुआ दिख रहा है, इस तरीके की चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे, बहुत सारे सिम्टम्स हैं इसके आपको, लेकिन ये बातें पता होना चाहिए। एक बहुत पॉपुलर स्टार अमिताभ बच्चन को ये डिजीज़ थी, तो बाद में उनकी है ना थायमेक्टोमी की गई, थायमेक्टोमी के बाद वो सही हुई। तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे थायमस ग्लैंड के बारे में, आपको इतनी बातें याद रखनी है, बहुत ज़्यादा अलग से आपको याद नहीं रखना है, थायमस ग्लैंड अपने आप में एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, छोटी है, याद होना चाहिए, लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है, एंडोक्राइन सिस्टम हमेशा ही आपके हमेशा काम आएगा, एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड मैंने सारी की सारी क्लासेस के वीडियो बनाए हैं, आप लिंक में जाके प्लेलिस्ट पर जाके क्लिक करके सारा का सारा चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, चाहे वो पिट्यूटरी हो, एड्रिनल हो, या फिर इंसुलिन हो, चाहे पैंक्रियाज हो, चाहे कुछ भी हो। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।